बीते 23 अगस्त को मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पाकिस्तान से आई सीमा गुलाम हैदर ने व्रत रखा था। अब सीमा ने इसे लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सीमा ने कहा है हर साल 23 अगस्त को वो व्रत रखेंगी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सीमा हैदर ने कहा, उनके वकील ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे हैं। इसके बाद उसने टीवी पर पीएम मोदी का भाषण देखा जिससे वह बहुत प्रभावित हुई। सीमा ने कहा, सभी देवी देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुन ली, इसलिए मैं हर साल 23 अगस्त को व्रत रखूंगी। सीमा ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं के बारे में जो कुछ भी कहा है मुझे बहुत अच्छा लगा है। वीडियो के अंत में सीमा ने जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जय श्री राम। मैं सीमा मीना पत्नी सचिन मीना। आज सुबह मेरे वकील डॉक्टर एपी सिंह सर की मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे हैं। तो मैंने टीवी ऑन करी और उनका भाषण चल रहा था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। मैंने ये फैसला लिया है हर साल 23 अगस्त को मैं प्रतिज्ञा किया करूंगी और जो चंद्रयान की सफलता हुई है मैं वर्ती रही थी। मेरे चंद्रमा भगवान और मेरे सारे देवी देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुनी और इसलिए मैंने ये भी फैसला किया है कि हर साल 23 अगस्त को मैं वर्ती रहा करूंगी। और जो वहाँ शिव शक्ति और तिरंगा स्थान किया गया है उनको मान के मैं पूजा भी किया करूंगी। और उन्होंने जो महिलाओं की रक्षा और भागीदारी के बारे में कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बता दें सीमा हैदर ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए व्रत रखा था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद सीमा ने अपना व्रत तोड़ा था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद सीमा ने अपने बच्चों के साथ आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी और खुशी मनाई। वहीं सीमा के भारत आने पर आधारित फिल्म कराची टू नोएडा के बारे में फिल्म एसोसिएशन ने इसका नाम कराची टू नोएडा को खारिज कर दिया है। फिलहाल सीमा का इस विषय पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। आपका इस विषय पर क्या राय है?